दिमाग जला देने, सॉरी माफ कीजिएगा, दिमाग की बत्ती जला देने वाली एक ऐसी क्लास जिसमें कि वोकैबुलरी और ग्रामर की आपकी हर एक प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। वी कैन हिट टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी एक तीर से दो निशाने लगाएंगे, ये भी खत्म और ये भी खत्म। और ये जो आप बुक देख रहे हैं ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी, इसकी सारी की सारी प्रॉब्लम हम लोग खत्म करने वाले, एक एक वर्ड को अपने दिमाग में बसाने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर आपका इनमें से कोई भी एग्जाम को क्रैक करना अगर आपने अपना ड्रीम बनाया है, अगर आप इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो समझ लो कि आपका वन प्लेस सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करने जा रहे हैं। बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि रोजाना शाम को 7 बजे यह क्लास आपको अटेंड करनी है। बड़ी लाजवाब क्लास है, बहुत ही यूनिक स्टाइल की क्लास है, देखते हैं कैसे, चलिए शुरू करते हैं, है ना। देखिए सबसे पहले तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा एक क्वेश्चन है जो कि कॉमन एरर का है, और इस कॉमन एरर के क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए हैं, है ना। इनके सारे वर्ड्स को हम लोग तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे, यानी ग्रामर के भी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और इसके सारे के सारे वर्ड्स को भी नोट डालेंगे हम लोग, ताकि ब्लैक बुक की किताब भी खत्म हो जाए और ग्रामर के सारी प्रॉब्लम भी आपकी खत्म हो जाए, है ना। जितने भी कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सब आता है, सब प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में अगर आप नजर डालेंगे, टोटल 3 पार्ट है, ए बी और सी, बताना है कि किस पार्ट में ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो जब आप इसे पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, है ना, जैसे लिखा द इंटरपीड एक्सप्लोरर एम्बार्क्ड ऑन एन आर्डस जर्नी थ्रू द impenetrable wilderness leaving an indelible mark as an explorer of untamed frontiers who is driven by। अब देखिए कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर किसी सेंटेंस में एक डब्ल्यू एच वर्ड है तो डब्ल्यू एच वर्ड के ठीक बाद का जो वर्ब होगा ये डब्ल्यू एच वर्ड के ठीक पहले के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। डब्ल्यू एच वर्ड के ठीक बाद का वर्ब डब्ल्यू एच वर्ड के ठीक पहले के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है। अब जरा नजर डालिए, यहां पे डब्ल्यू एच वर्ड है हु, और इसके बाद जो वर्ब है वो है इज, जो कि एक सिंगुलर वर्ब है, और इसके पहले जो सब्जेक्ट है फ्रंटियर्स, ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट। तो आपको पता है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं, तो जब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं तो इज नहीं, इज का प्लूरल आर होना चाहिए, यानी पार्ट नंबर सी हमारा आंसर हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट कभी भूलिएगा नहीं, इतना जम के और छक के एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैंने बता दिया, है ना। अब देखते हैं कि हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि एक हमारे पास वर्ड है, कौन सा? इंप्लोरर। कौन सा वर्ड है हमारे पास? इंप्लोरर। दरअसल इंप्लोरर कौन होता है? देखिए कोई प्रोडक्ट है ना, उसको सप्लाई करना, क्या करना? सप्लाई करना। तो इंप्लोरर वो आदमी होता है जो किसी प्रोडक्ट को सप्लाई करता है, ठीक है। यही नहीं, प्रोडक्ट ही नहीं, अगर कोई बुद्धि सप्लाई करता है, ज्ञान सप्लाई करता है, नॉलेज सप्लाई करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, तो एंडो करता है, बेस्टो करता है, तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? इंप्लोरर कहते हैं। तो इसका मतलब होता है सप्लायर, रिमेंबर रखिएगा, इसका मतलब क्या होगा? सप्लायर। सिनोनिम भी कौन होगा? सप्लायर। लेकिन एक वर्ड है जो इसी से मिलता जुलता है, बस इनके जगह पे एक्स लग गया, ये एक्सप्लोरर हो गया, इसका मतलब होता है जो एडवेंचरर होता है, जो हमारा क्या होता है? एडवेंचरर होता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? एक्सप्लोरर। एडवेंचरर या एक्सप्लोरर कौन? जो नई नई चीजों की खोज करता है, उसका पता लगाता है ना, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? एक्सप्लोरर, ठीक है। चलिए उसके बाद आप देखते होंगे कई सारे लोग एक्सप्लोर करते हैं, गोवा जाके एक्सप्लोर करते हैं, इसका मतलब कि वो नए नए जगह को खोज निकालते हैं, एंजॉय करते हैं उससे, तो उसको भी एक्सप्लोरर बोल देते हैं हम लोग, है ना। फिर तीसरा वर्ड है इम्प्रेग्नेबल। कौन सा वर्ड है? इम्प्रेग्नेबल। इसका दो मीनिंग होता है। दरअसल इम्प्रेग्नेबल ऐसी चीजें या ऐसे लोग होते हैं जिसमें बदलाव पॉसिबल नहीं हो, है ना, अनुपजाऊ भी एक तरीके से ये हो जाता है, याद रखिएगा। इसी कारण से इम्प्रेग्नेबल का
एक सिनोनिम जो होता है वो अनयील्डिंग भी होता है, यानी अनुपजाऊ भी होता है, लेकिन इसका एक पॉजिटिव मीनिंग भी होता है। जो चीजें अनुपजाऊ है दरअसल अगर वो इम्प्रेग्नेबल है, मतलब उसमें बाहरी किसी भी चीज का असर नहीं होता, वो अपने आप में एकदम ठोस है ना, एकदम अजेय है, उसे कोई हरा नहीं सकता, उसे कोई बस में नहीं कर सकता, तो इसी कारण से इम्प्रेग्नेबल का एक सिनोनिम इनविंसिबल भी होता है। इनविंसिबल कहने का मतलब हुआ वो अजेय है, उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई हरा नहीं सकता। और एक वर्ड है हमारा इनडेलिबल, और इनडेलिबल का कहने का मतलब क्या होता है, जो अमीट है, अमीट है मतलब जिसे कोई मिटा नहीं सकता, जो कभी मिट नहीं सकता, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनडेलिबल कहते हैं। तो इसका एक सिनोनिम हम लोग कह सकते हैं इन इरेडिकेबल, जिसे इरेडिकेट नहीं किया जा सकता, जिसे मिटाया नहीं जा सकता, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनडेलिबल। तो लेकिन दोनों वर्ड में डिफरेंस है, इम्प्रेग्नेबल का मतलब हुआ कि जो अजेय है, जो कभी हारता नहीं, वो आगे बढ़ता रहता है, ठीक है, लेकिन इनडेलिबल वो है जिसे मिटाया नहीं जा सकता, जिसे खत्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए चारों के चारों वर्ड क्लियर हो गए, और ये कॉमन एरर का क्वेश्चन भी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। चलिए देखते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल है, हमें पता करना इसमें मिस्टेक क्या है, इसमें एरर क्या है। चूंचू का मुरब्बा मैं इसे मानता हूं, बहुत ईजी और बहुत आसान मानता हूं। कैसे लिखा, इन द इनएक्सोरेबल मार्च ऑफ टाइम कंटिन्यूड द इंट्रिगना फॉलोइंग द रूलर्स डिमाइस वॉज मार्क बाय सर्टेनिटी एंड इंट्रिग। देखिए एंड का खेल बड़ा लाजवाब होता है, एंड का जो खेल होता है बड़ा लाजवाब होता है। एंड ये कहता है कि मेरे तरफ दो तरफ जो दो पलड़े हैं, ये दोनों पलड़ों पे वजन हमेशा बराबर रखिए। कहने का मतलब यह हुआ यह फॉलो करता है लॉ ऑफ बैलेंस को। लॉ ऑफ बैलेंस कहने का मतलब क्या, कि एंड के दोनों तरफ के वर्ड्स एक समान होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहां पे वर्ड लिखा गया सर्टेनिटी, तो जो चीजें सर्टेनिटी के साथ आती हैं वो कैसी हैं, पॉजिटिव हैं। लेकिन यहां पे एक वर्ड लिखा गया इंट्रिग, इंट्रिग का मतलब होता है पजल्ड, जो उलझा हुआ है, जो फंसा हुआ है ना, उसको बोलते हैं इंट्रिग, जो कि एक नेगेटिव वर्ड है। तो एक तरफ नेगेटिव चला गया, एक तरफ पॉजिटिव, तब तो इसके बीच में बट लगना चाहिए था, है ना। और या तो अगर आपने एंड लगाया है तो दोनों तरफ के वर्ड का चार्ज एक कर दीजिए, तभी तो एंड लगा सकते हैं ना, और लगा सकते हैं, बुरा और अच्छा नहीं होता है, बुरा लेकिन इसमें कुछ अच्छा भी है, ऐसे बोलते हैं, है ना। अब देखना यह है कि एग्जैक्टली किस तरफ चेंज करना होगा। तो लिखा है इंडिक्टमेंट, आगे अगर देखेंगे तो एक वर्ड है इंडिक्टमेंट। अब ये जो वर्ड देख रहे हैं इंडिक्ट, इसी से बना है इंडिक्टमेंट, जिसका मतलब होता है आरोप लगाना, जिसका मतलब क्या होता है, आरोप लगाना। याद रखिएगा ये जो वर्ड देख रहे हैं आप इंडिक्ट, इसका मतलब होता है टू चार्ज, किसी के ऊपर चार्ज लगाना या किसी को अक्यूज करना, उसके ऊपर आरोप लगाना, ठीक है, ओके। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आगे का वर्ड नेगेटिव है, यह सेंस दे रहा है सेंटेंस कि कुछ बुरा हुआ है, और जब कुछ बुरा हुआ है तो नेगेटिव वर्ड रह जाएगा, और जो पॉजिटिव है इसे नेगेटिव करना पड़ेगा, यानी सर्टेनिटी के जगह पे अनसर्टेनिटी लिख देंगे, यानी केवल अन लगा देंगे सर्टेनिटी के पहले, तो यह स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा और आंसर चला जाएगा हमारा कौन सा, पार्ट नंबर सी, ठीक है। कौन से पार्ट में मिस्टेक है, पार्ट नंबर सी में, ओके। तो एक तो इंडिक्ट वर्ड का मीनिंग क्लियर हो गया। अब दूसरा हमें यह देखना है कि ये जो वर्ड आप देख रहे हैं इनएक्सोरेबल, कौन सा वर्ड देख रहे हैं आप, इनएक्सोरेबल। अब इनएक्सोरेबल का एग्जैक्टली देखें तो मीनिंग क्या होगा, दरअसल इसका मीनिंग होता है रेलेंट लेस। क्या बोलते हैं आप इसे, रेलेंट लेस। रेलेंट लेस कहने का मतलब जो कभी थकता नहीं है, जो कभी थकता नहीं है, हम ये क्या है, इनएक्सोरेबल है, यानी ये कभी नहीं थकेगा, चलता रहेगा, इसे ही हम लोग कहते हैं कंटिन्यूड, जो हमेशा क्या रहे, कंटिन्यूड रहे, चलता ही रहे। फिर एक वर्ड है इंटरमेंट, कौन सा वर्ड है हमारे पास, इंटरमेंट। इंटरमेंट का मतलब होता है बरियल प्रोसेस, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बरियल प्रोसेस। देखिए किसी कॉर्प्स होता है, कोई लाश है, उसे दफनाने का जो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बुलाते हैं, इंटरमेंट बुलाते हैं। और एक है हमारा कौन सा, इंट्रेग्ना, कौन सा वर्ड है हमारे पास, इंट्रेग्ना। इसका जो साउंड अनाउंसिएशन होता है वो होता है इंट्रेग्ना, ठीक है, रिमेंबर रखिएगा। अब ये जो वर्ड आप देख रहे हैं, और एक हमने देखा था कौन सा, एक हमने देखा था इंटरमेंट।
अब देखिएगा, एक वर्ड हमारे पॉलिटिकल साइंस में बहुत पॉपुलर है, जिसे हम लोग कहते हैं हंग। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हंग। हंग का मतलब क्या होता है? When no parties has got clear majority, जब मान लीजिए कि ऐसी स्थिति बन जाए इलेक्शन में कि किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिला, तो जो पार्लियामेंट्री सिचुएशन होती है उसे हम लोग क्या बुलाते हैं? हंग बुलाते हैं। इसी तरीके से क्या होता है, ये जो वर्ड देख रहे हैं आप, इंटेग्ना देख रहे हैं, इंटेग्ना का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि एक एम्पायर चल रहा था, ठीक है, और फिर एक दूसरा एम्पायर आया, लेकिन दोनों एम्पायर के बीच में कुछ ऐसा समय रहा, कुछ ऐसा इंटरवल टाइम रहा, कुछ ऐसा इंटरवल टाइम रहा जिस इंटरवल टाइम में किसी की ना तो सरकार थी और ना किसी एम्पायर का रूल चलता था, वहां पे शासन चलता था, वो खाली समय हो गया। उसी खाली समय को, उसी खाली वैकेंट टाइम को हम लोग क्या बुलाते हैं? इंटरग्ना बुलाते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड भी कंप्लीट और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। चलते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलते हैं हम लोग अपने थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, एक सेकंड में ये बन जाएगा। कैसे बनेगा जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पे वर्ड लगाया लेट। जब भी लेट का पैसिव बनाते हो तो लेट आता है, लेट के साथ बी आता है और बी के साथ मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। अगर आपने जीवन में कभी भी एक्टिव टू पैसिव वॉइस पढ़ा होगा तो लेट के पैसिव में ये खास बात होती है कि लेट का यूज करते हो, बी लगाते हो और फिर मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज करते हो। लेकिन यहां पे देखिए, लेट लगाया लेकिन लेट के साथ आपने बिन लगा दिया, जबकि होना चाहिए था बी, यानी कौन सा पार्ट आंसर हो गया? ए हो गया। क्लियर? तो एक तो ये हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल था, लेकिन देखने वाली बात ये है कि बाकी के जो हमारे वर्ड्स हैं, जैसे नेल, नेल का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं टॉल। क्या कहते हैं हम लोग? टॉल। नहीं समझे, मैं बताता हूं। इसको कहते हैं घंटे की आवाज, टन, है ना। तो वो जो आवाज निकलती है ना, टन मारते उसके बाद प्रणाम करते हैं, उसी घंटे की आवाज को हम लोग क्या बुलाते हैं? नेल बुलाते हैं। एक वर्ड है लैपिडिस्ट। लैपिडिस्ट कौन होता है? तो लैपिडिस्ट का मतलब होता है कि जो रत्नकार है, है ना, आभूषण रत्न वगैरह गढ़ता है, मोती को काटता है, रत्नों को काटता है, नए नए शेप देता है, उसी रत्नकार को, उसी रत्नकार को हम लोग क्या बुलाते हैं? हम लोग बुलाते हैं लैपिडिस्ट। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। चलिए, अच्छा एक चीज और, अगर मान लीजिए कोई पूछे कि ये जो वर्ड है हमारा रत्नकार, इसके लिए क्या सिनोनिम लेंगे, मतलब लैपिडिस्ट के लिए एक और सिनोनिम लेना, तो क्या लेंगे? तो आप उसे कहेंगे जेम कटर। क्या बोलेंगे आप उसे? जेम कटर। जेम का मतलब हो गया रत्न और कटर का मतलब उसे काटने वाला। लैक्सेटिव वो पर्सन होता है जो काफी ज्यादा स्लगिश है, स्लो है ना, वो आगे बढ़ता ही नहीं, एकदम ठसक सा बैठ गया है, वो आगे ही नहीं बढ़ेगा कभी। तो ऐसे इंसानों को, ऐसी चीजों को बोलते हैं हम लोग लैक्सेटिव। सुस्त हो गया, लैक्स हो गया है। वर्ड है कौन सा? लैक्स। लैक्स कहने का मतलब क्या हो जाता है? सुस्त, जिसमें एकदम जान ही नहीं है ऐसा दिखा रहा है वो, तो उसको बोलते हैं लैक्सेटिव। और एक वर्ड है लोकेशियस। लोकेशियस कौन होता है? खूब बोलता है, कान खा जाएगा, दिमाग खा जाएगा, इतना लगातार बोलेगा। तो ऐसा आप ट्रेन में देखते होंगे, कोई कोई लोग ऐसे होते होंगे, बैठ जाएंगे और बैठ के जो है एकदम समझ लीजिए यहीं से सरकार हिलाने का काम करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आज अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरे बोलने से सरकार बदल जाएगी, मेरे बोलने से लोकतंत्र लागू हो जाएगा, मेरे बोलने से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी बातें करेंगे और इतना एकदम एटीट्यूड के साथ बोलेंगे, अरे वो नेता, अरे वो क्या नेता है यार, वो नहीं होगा ऐसा, ऐसे से बात करेंगे इतने एटीट्यूड के साथ, लगेगा कि भाई कितना नॉलेज है इनके पास, है ना। तो ऐसे इंसानों को बोलते हैं लोकेशियस, टॉकेटिव। हिंदी में इसी को कहते हैं बातूनी, बकबक करने वाला। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर, सारे वर्ड क्लियर। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला सवाल 500 करोड़ रुपयों के लिए, हाई है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, कितना इजी है। इन मिडस्ट ऑफ, देखते ही क्वेश्चन खत्म, देखते ही क्वेश्चन खत्म। कैसे? सबसे पहले तो देख लो, ये जो आप देख रहे हो फ्रेज, इन मिडस्ट ऑफ, ये एक रॉन्ग फ्रेज होता है। दरअसल राइट फ्रेज होता है इन द मिडस्ट ऑफ। राइट फ्रेज होता है इन द मिडस्ट ऑफ। कहने का मतलब यह हुआ कि आप इसमें द लगाते हैं, यानी कि आप यूज करते हैं डेफिनेट आर्टिकल का। किसका यूज करते हैं आप? डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है कि जो चीजें फोकस में है या जो चीजें सेंटर में है, यानी कि जो मुख्य मुद्दा है, मेन कंसर्न है, ठीक है, मेन पॉइंट या कंसर्न को बताने के लिए आप इन द
आप इन द मिडस्ट ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यानी यहां पे इन मिडस्ट ऑफ नहीं होना चाहिए था, इन द मिडस्ट ऑफ ऐसा नहीं था, इसलिए पार्ट नंबर ए हमारा रॉन्ग गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि हमारा जो बाकी का चार वर्ड है इसका मीनिंग क्या हो सकता है। सबसे पहले मोनोलॉग, मोनोलॉग क्या होता है, एक होता है, एक तो ये लॉन्ग होता है, लॉन्ग स्पीच होता है, और दूसरा इसकी क्वालिटी यह है कि यह वेलकम स्पीच होता है। वेलकम स्पीच मतलब स्वागत में दिया जाने वाला भाषण, है ना। आप हमारे यहां आए हैं, इससे हम निहाल हुए, बहुत खुश हुई जो आप यहां आए, और इसमें अगर लंबी चौड़ी अगर वो भाषण दे दे तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, मोनोलॉग कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, मोनोलॉग। एक होता है एक्सटेम्पो, एक्सटेम्पो क्या होता है, जो बिना स्पीच के अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर बोल देते हैं तो वो कहलाता है हमारा एक्सटेम्पो कहलाता है। लेकिन ये है मोनोलॉग, जो किसी के स्वागत में जो आप भाषण देते हैं, लंबा खींच दिए, स्वागत में आने वाला इंसान कह रहा है कि क्या कर रहे यार, हमको भी बोलने का मौका दो, तो इसको कहते हैं हम लोग मोनोलॉग। फिर एक वर्ड है हमारा मोनोथिज्म, कौन सा वर्ड है हमारा मोनोथिज्म। देखिए थिज्म का मतलब होता है भगवान को मानना, और मोनो का मतलब होता है एक, देखते हैं ना, स्पीकर में मोनो साउंड देगा मतलब एक ही कान में साउंड आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह होता है कि वन हु बिलीव इन वन गॉड, जो एक ही भगवान को मानता है ना, एक ही निराकार को मानता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोथिज्म बोलते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग मोनोथिज्म बोलते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद एक वर्ड है हमारा म्यूटिनी, कौन सा वर्ड है हमारे पास, म्यूटिनी। अब म्यूटिनी कहने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रेबेलियन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रेबेलियन। रेबेलियन कहने का मतलब क्या हुआ कि जो बगावत करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटिनी बोलते हैं, ठीक है। यह चीज तो हमारा क्लियर हो गया। अब एक वर्ड है मिस्टिक, एक वर्ड कौन सा है, मिस्टिक। जब मिस्टिक वर्ड देखेंगे तो आपके दिमाग में मिस्ट्री से रिलेटेड कुछ आएगा, और यह बात सही भी है। दरअसल मिस्टिक का एक सिनोनिम होता है ऑक्यूलिस्ट, क्या होता है हमारा, ऑक्यूलिस्ट। नहीं समझे, समझ लीजिए, इसका मतलब होता है रहस्यवादी, क्या मीनिंग होता है इसका, रहस्यवादी, जो रहस्यों को रखता है, मिस्टिक है। जब आप उससे मिलोगे तो एकदम अजीब पर्सनैलिटी होगी उसकी, आप उससे पूछोगे अरे भैया कैसे हैं, मैं तो ठीक हूं, ठीक हूं, लेकिन अब क्या भैया, लेकिन है कुछ बात जो मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, लेकिन शायद ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी भी है, चलो मैं कल बताऊंगा। तो ऐसा मिस्टिक पर्सन जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्यूलिस्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्यूलिस्ट भी। ऑक्यूलिस्ट ज्यादा पूछता है एग्जाम में, मिस्टिक कम पूछता है, तो आप क्लियर रखिएगा ये सारे वर्ड, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका पांचवा क्वेश्चन 500 करोड़ रुपयों के लिए। हाई देखिए पांचवें नंबर क्वेश्चन में लिखा, द नियोफाइट एंट्रेंस्ड बाय टेल्स ऑफ निम्फोमैनिया साउट टू गेन फेवर विद द एल्यूरिंग निम्स थ्रू एक्ट्स ऑफ ऑबेसेंस होपिंग दैट देयर डिवोशन वुड ग्रांट देम अ टेस्ट ऑफ द निम्स सेमिंगली। जरा इस पॉइंट के ऊपर फोकस करिए, सारी की सारी समस्या यहीं पे है। समस्या क्या है, लिखा गया निम्स, और निम्फ का प्लूरल बनाने के लिए इसमें एस लगा दिया गया। कहा जाता है कि ऐसा कोई भी प्लूरल नाउन, ऐसा कोई भी प्लूरल नाउन जिसकी एंड हो रही है किसके साथ, किसके साथ एंड हो रहा है, एस के साथ एंड हो रहा है, तो आप इसके साथ पूरा का पूरा एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते, केवल एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, तभी सेंटेंस राइट होगा, ठीक है। तो निम्फ का प्लूरल बनाया तो लास्ट में क्या आ गया, एस। अब इसके बाद पूरा का पूरा एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगेगा, बल्कि केवल और केवल आप इसमें क्या लगाने वाले हैं, एपोस्ट्रॉफी, यानी ये एस यहां पे नहीं होना चाहिए, गलत है, पार्ट नंबर सी आंसर होगा। दिमाग में बिठा लीजिए, कोई भी प्लूरल नाउन जिसकी एंडिंग अंत एस से हो रहा है उसमें एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते, आप केवल उसमें एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। चलिए प्रॉब्लम खत्म। लेकिन देखिएगा इसमें जो वर्ड्स आए हैं, इन वर्ड्स के मीनिंग क्या है, एक है नियोफाइट, है ना, जो किसी भी प्रोफेशन में नया हो, नया नवेला हो, ठीक है, नई नवेली नहीं, नया नवेला, जिसे हम लोग नोवाइस भी कहते हैं, यानी उसे वो अभी इस चीज में एक्सपर्ट नहीं हुआ, बिल्कुल नया नया आया है, वो अभी इनएक्सपीरियंस्ड है, क्या है वो,
इनएक्सपीरियंस्ड है, उसको इस चीज का अनुभव ठीक से नहीं है, तो उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, नियोफाइट बुलाते हैं। ठीक है, फिर एक वर्ड है निम्फोमैनिया। कौन सा वर्ड है? निम्फोमैनिया। इस नाम की एक मूवी भी आई थी हॉलीवुड की। दरअसल निम्फोमैनिया उसको कहते हैं जिसमें हो जाता है एक्सट्रीम सेक्सुअल डिजायर हो जाता है, है ना। जब सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाती है तो एक खास तरीके की साइकोलॉजिकल कंडीशन बनती है जिसको हम लोग कहते हैं निम्फोमैनिया। क्या बुलाते हैं हम लोग उसे? निम्फोमैनिया। और उस आदमी को क्या बुलाएंगे जिसको ये हुआ है? उसको बुलाएंगे निम्फोमैनियाक। ठीक है, चलिए इसके बाद एक वर्ड है ऑबिसेंस। कौन सा वर्ड है हमारे पास? ऑबिसेंस। अब ऑबिसेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रेवरेंस, या फिर आप इसे कहेंगे रिस्पेक्ट। हिंदी में इसी को कहते हैं आदर। सिस्टम, सिस्टम को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, है ना। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? ऑबिसेंस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ऑबिसेंस देना पड़ेगा। अब एक वर्ड है ओमनीपोटेंट। कौन सा वर्ड है? ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब क्या? इसका मतलब होता है सर्वशक्तिमान। क्या इसका मीनिंग होगा? सर्वशक्तिमान, राइट, है ना। विद ग्रेटेस्ट पावर। क्या बोलेंगे आप उसे? विद ग्रेटेस्ट पावर, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं। तो आप उसी को क्या बुलाते हैं? ओमनीपोटेंट बुलाते हैं। ओमनी मतलब ऑल और पोटेंट मतलब पावर, तो सारी पावर उसमें समा गई है, वही एक अकेला शिव है, है ना। तो उसको क्या बुलाते हैं हम लोग? ओमनीपोटेंट बुलाते हैं। चलिए, तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें यह लिखा गया। क्या लिखा गया? देखो, लिखा द ऑपुलेंट ऑप्टिशियन नोन फॉर देयर एक्सक्विजिट आईवीआर स्पॉन्सर्ड एन ऑर्निथोलॉजिस्ट एक्सपेडिशन टू रेज अवेयरनेस फॉर बर्ड कंजर्वेशन हाइलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ कीन विजन इन बोथ द फील्ड्स ऑफ ऑर्निथोलॉजी। इतना बड़ा है, पढ़ते पढ़ते टाइम लग रहा है, लेकिन बनेगा एक सेकंड में, कैसे मैं बता रहा हूं अभी। ठीक है, चलिए देखिए। तो सबसे पहले लिखा इसमें द ऑप्युलेंट ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन, ऑप्टिशियन, ठीक है। ऑप्टिशियन कौन होता है? ऑप्टिशियन कौन होता है? सबसे बड़ी बात यह है कि ऑप्टिशियन जो चश्मे की स्टडी करता है उसको बोलते हैं, या फिर आप उसे बोलते हैं आई ग्लास। आई, ओहो रुको, कलम चेंज कर लूं। ये जो वर्ड आप देख रहे हैं ऑप्टिशियन, इसको हम लोग बोलते हैं आई ग्लास स्पेशलिस्ट। जिसको पता होता है कि इस तरीके की बीमारी, इस तरीके की आंखों की समस्या में किस तरीके का आई ग्लासेस जो है वो लगना चाहिए, इसका एक्सपर्ट है वो, है ना। चश्मे वाला, जो धूप के चश्मे वाला नहीं, जिसको पता होता है कौन सा लेंस यहां पे लगना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिशियन बोलते हैं। तो ये तो एक ही आदमी है ना, ये तो एक ही आदमी है। और जब ये एक आदमी है, मतलब कि ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो सब्जेक्ट, जो आप देख रहे हो नाउन देख रहे हो, ये नाउन कैसा है? सिंगुलर है। और जब ये सिंगुलर है तो इसके लिए देयर नहीं, आप यूज करेंगे हिज का, यानी कि कौन सा पार्ट आंसर हो गया? ए, पार्ट नंबर ए हमारा क्या हो गया आंसर? ऑप्टिशियंस रहता, अगर ऑप्टिशियंस रहता प्लूरल, तब देयर का यूज होता। ऑप्टिशियन है, सिंगुलर है, इसलिए आप देयर नहीं, आप यूज करेंगे हिज का। एक को बताना हो तो हिज लगाएंगे, एक से ज्यादा को बताना हो तो देयर लगाएंगे, है ना। चलिए, तो प्रॉब्लम सॉल्व। फिर एक जो आप वर्ड देख रहे हैं, एक जो आप वर्ड देख रहे हो, ये वर्ड है ऑन्कोलॉजी। अब ऑन्कोलॉजी कहने का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ, लॉजी कहने का मतलब स्टडी ऑफ, और ऑन्को कहने का मतलब होता है कैंसर। ठीक है, तो कैंसर की स्टडी को हम लोग क्या बुलाते हैं? ऑन्कोलॉजी। या अफेक्टेड सेल्स जो होते हैं उनकी स्टडी को भी हम लोग ऑन्कोलॉजी में ही पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर देखें तो एक वर्ड है हमारे पास ऑप्युलेंट। ऑप्युलेंट वो होता है जिसके पास काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है अमीरी की, है ना। दरअसल ऑप्युलेंट हम लोग बोलते हैं रिच पीपल को, वेल्दी पीपल को, है ना। हम लोग क्या बुलाते हैं? ऑप्युलेंट बुलाते हैं। और एक वर्ड होता है ऑर्निथोलॉजिस्ट। कौन वर्ड है हमारा? ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथो उड़ना, चिड़िया, बर्ड, ठीक है, और जिस्ट, है ना, इस्ट लग गया इसमें, लॉजिस्ट। तो इसका मतलब कि वन हु स्टडी बर्ड्स, जो कि बर्ड्स की स्टडी करता है, चिड़ियाओं के बारे में स्टडी करता है, कौन सी चिड़िया किस जाति से बिलोंग करती है, है ना। जाति कहने का मतलब क्लासिफिकेशन उसका कैसे है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं।
प्रॉब्लम सॉल्व ग्रामर का भी, और ये चारों के चारों वर्ड्स भी हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ओके। क्या बोला जा रहा है इसमें, इसमें लिखा गया कि द पेडियाट्रिक्स वार्ड ऑन द बसलिंग हॉस्पिटल पेनिनसुला इज वेयर यंग लाइव्स आर नर्चर्ड, ब्लेंडिंग द आर्ट ऑफ मेडिसिन विद द फिलॉसफी ऑफ पैंथिज्म, फाइंडिंग वंडर इन द मॉस्क पेडेस्ट्रियंस। गयो, प्रॉब्लम खत्म, ये ठीक है, और द भी लगा हुआ है। सबसे पहले अगर कहीं पे मॉस्ट ऑफ का यूज है तो ये बता रहा होगा संख्या को, नंबर को, ठीक है। इसके बाद का जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। तो अगर मॉस्ट ऑफ होता तो पेडेस्ट्रियंस बोल देते, लेकिन अकेला मॉस्ट का यूज है और इसके पहले द का यूज किया है, ठीक है। फिर से लिख देता हूं मैं, ये द का यूज किया और इसके बाद मॉस्ट का यूज किया, इसका मतलब ये बता रहा है क्वालिटी। क्या बता रहा है, क्वालिटी। तो इसके बाद का नाउन प्लूरल ना रख के क्या रखेंगे हम लोग, सिंगुलर। तो ये अंतर है, कई बार आप मॉस्ट मॉस्ट ऑफ के बीच का अंतर नहीं समझ पाते और इस वजह से प्रॉब्लम होती है। तो इसी कारण से यहां मॉस्ट है, इसके पहले द है, ये क्वालिटी बता रहा है, इसका मतलब पेडेस्ट्रियन में एस नहीं लगेगा, केवल और केवल क्या होना चाहिए, पेडेस्ट्रियन होना चाहिए। यानी कौन सा पार्ट आंसर होगा, सी। इसमें एक दो और छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो काफी क्रिटिकल होते हैं, जो अगली क्लास में आएंगे, अगले कॉन्सेप्ट्स में क्वेश्चन के थ्रू ही मैं उसे बताऊंगा, ठीक है। चलिए, ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब देखना ये है कि छोटे छोटे जो वर्ड है, जैसे कि पेडियाट्रिक्स है, कौन सा वर्ड है हमारे पास, पेडियाट्रिक्स। तो पेडियाट्रिक्स का मतलब क्या होता है जरा समझिएगा, वो जो बच्चों का डॉक्टर होता है उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, उसी को बुलाते हैं पेडियाट्रिक्स बुलाते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर आप देखें तो एक वर्ड है हमारा कौन सा, पैंथिज्म। कौन सा वर्ड है, पैंथिज्म। पैन का मतलब क्या होता है, जैसे पैन इंडिया बोला, तो पैन इंडिया मतलब बोला क्या, ऑल ओवर इंडिया, यही होता है ना। और थिज्म का मतलब क्या होता है, गॉड। तो पैंथिज्म का दरअसल मतलब यह होता है, याद रखिएगा, पैंथिज्म का मतलब यह होता है, मैं जरा ले लूं ब्लैक पेन ले लूं, तो वन हु बिलीव्स इन ऑल गॉड्स, जो सारे भगवान को मानता है, तो उसे हम लोग क्या बुला देते हैं, पैंथिज्म बुलाते हैं। उस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं, पैंथिज्म बुलाते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर देखें तो एक वर्ड है पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन वो होता है जो पैदल चलने वाला होता है, ठीक है। तो जो पैदल चलने वाला होगा आप उससे क्या बोलेंगे, पेडेस्ट्रियन। यानी फुट स्टेप पे चलने वाले लोगों को क्या बुलाते हैं, पेडेस्ट्रियन बुलाते हैं। और एक वर्ड हमारा पेनिनसुला। अब देखिए, पेनिनसुला इस क्वेश्चन में भी यूज में आया था ना। अब पेनिनसुला का मतलब क्या होता है ये समझिएगा। दरअसल ये जो वर्ड है हमारा, इसका मतलब होता है कि जो द्वीप से संबंधित है, द्वीप संबंधी, या आप उसे कह सकते हैं लैंडमास। क्या बुला सकते हैं आप उसे, लैंडमार्क, ठीक है। पेनिनसुला होता है जो किसी द्वीप का एक भाग होता है, तो उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, पेनिनसुला। या उस कोण पर रहने वाले लैंड को हम लोग क्या बुलाते हैं, पेनिनसुला बुलाते हैं। तो ये चारों के चारों वर्ड्स कंप्लीट हो गए और ये हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, लिखा, द यंग पॉलिथिस्ट प्रोडिजी वाज सीन बाय सम एज अ प्रोफेट इन द मेकिंग, द अदर्स सस्पेक्टेड। प्रॉब्लम है, ये जो आप देख रहे हैं अदर्स, इसका मतलब होता है अदर इज, ठीक है। लेकिन एक होता है अदर्स जिसका यूज आप एज अ सब्जेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर होता है, होता है ना। तो यहां है सस्पेक्टेड, ये वर्ब है, और वर्ब के पहले कौन आता है, सब्जेक्ट आता है। यानी अदर्स ये वाला नहीं बल्कि ये वाला लगाना चाहिए था, इसको काट के आप ये लिखेंगे, यानी कौन सा पार्ट आंसर हो गया, बी। ये दोनों का डिफरेंस एकदम आप लोग क्लियर रखिएगा। फिर अगर आप देखें तो एक वर्ड है हमारे पास कौन सा, चलिए वर्ड्स क्लियर कर लेते हैं। वर्ड है हमारा पेल्फरेज। कौन सा वर्ड है हमारे पास, पेल्फरेज। इसका मतलब होता है थेफ्ट, थेफ्ट यानी कि चोरी। तो चोरी करना, इसी को चोरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पेल्फेरेज बोलते हैं। ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखिएगा तो एसएससी सीजीएल 2022 में भी इसको पूछ चुका था, इसलिए ये वर्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कभी भूलिएगा नहीं, ठीक है। फिर एक वर्ड है पॉलिथिस्ट। कौन सा वर्ड है, पॉलिथिस्ट, है ना। इसका भी मतलब वही है, वन हु
वन हु बिलीव इन मेनी गॉड्स, जो बहुत सारे भगवान को मानता है. एक तो सारे भगवान को मानता है, जो सारे भगवान को मानता है उसे क्या बुलाते हैं, पैंथीस्ट बुलाते हैं. जो अनेकों भगवान को मानता है उसे क्या बुलाते हैं, पॉलीथीस्ट बुलाते हैं. पॉली का मतलब क्या होता है, बहुभुज होता है, बहु यानी मेनी. ठीक है, चलिए इसके बाद एक वर्ड है प्रोडिजी. प्रोडिजी का मतलब क्या होता है, जो प्रोडिजी है दरअसल वो जीनियस है. वो क्या है हमारा, जीनियस, ब्रिलियंट, वाइज, तेज, चालाक, होशियार, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडिजी. ठीक है, क्या आप हैं. और एक वर्ड है प्रॉफिट. प्रॉफिट वर्ड आप लोग काफी सुने होंगे. प्रॉफिट किसके लिए यूज करते हैं, पैगंबर के लिए बोलते हैं ना उनको, हिंदी में क्या बुलाते हैं, पैगंबर. तो पैगंबर के लिए हम लोग यूज करते हैं, देव के दूत होते हैं. ठीक है, हमारी हिंदू में नहीं, रिलीजन में, मुस्लिम रिलीजन में, इस्लाम में देखेंगे तो जो आप समझ लीजिए, जो हमारे यहां देव के दूत होते हैं उसी तरीके से पैगंबर होते हैं. ये मेरी थिंकिंग है, कोई जरूरी नहीं है कि ये सही हो. ठीक है, मैं बहुत अच्छे से इसके बारे में जानकारी नहीं रखता, लेकिन प्रॉफिट का मतलब अगर देखे तो क्या होता है, पैगंबर होता है. ठीक है, चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया. इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर. देखिए 9 में क्या लिखा, क्या लिखता है, द रैपेसियस प्रोसिलाइट हैड अ फियरी पैशन फॉर कन्वर्टिंग अदर्स टू देयर कॉज using humor and wordplay as their punishing tools to ignite the flames of Gaya. ये देखिए यहां पे use किया to. अब सबको पता होना चाहिए कि to के साथ main verb का पहला form लेते हैं. ठीक है, इसलिए यहां पे to के साथ ignite होता. क्या होता, ignite का use आप करते है ना. क्यों, क्योंकि अगर आप इग्नाइट में एस लगा देते हो तो ये MB1 नहीं, ये हो जाता है MB5, जिसे हम लोग सिंगुलर मानते हैं. क्या मानते हैं, हम लोग सिंगुलर मानते हैं. लेकिन टू के साथ होता क्या है, MB1, इसलिए इग्नाइट्स नहीं, क्या होना चाहिए, केवल इग्नाइट. यानी कौन सा पार्ट आंसर हो गया, सी. चलिए प्रॉब्लम तो खत्म. अब आते हैं कि एग्जैक्टली ये सब जो वर्ड्स देख रहे हैं आप, इनके मीनिंग क्या है. तो सबसे पहला वर्ड है प्रोसिलाइट. अब प्रोसिलाइट कहने का मतलब क्या होता है, कन्वर्ट करना किसी को. क्या करना, कन्वर्ट करना. ठीक है, या कन्वर्जन ऑफ ओपिनियन और वोट. ठीक है, अब आपको नीतीश कुमार को वोट देने का मन है तो आप दे रहे हैं किसको, लालू यादव को दे रहे हैं. आपको लालू यादव को देने का मन है वोट अगर, तो कोई आता है और आपको कन्विंस करता है कि आप जो है वो बीजेपी को दीजिए. आपको बीजेपी को देने का मन है, कन्विंस कर लिया कि आप लालू जी को दीजिए. ठीक है, तो ये जो कन्विंसिंग होती है ना, कन्विंसिंग नहीं कहिए, मैनिपुलेशन कहिए इसे. तो ये जो मैनिपुलेशन होता है थॉट का, ओपिनियन का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसिलाइट बोलते हैं. ठीक है, चलिए इसके बाद अगर देखें तो एक वर्ड है कौन सा, पन. पन का मतलब क्या होता है, जोक, या आप इसी को क्या कहते हैं, मजाक. ठीक है, तो किसी ने अगर कोई मजाक किया, देखिए कितना छोटा वर्ड है, PUN, पन है ना. अब पन का मतलब क्या होता है, जोक या मजाक है ना. तो अगर कोई क्रैक कर रहा है जोक को तो आप यह भी कह सकते हैं कि क्रैकिंग पन, यानी अब वो मजाक कर रहा है, जोक कर रहा है. फिर एक वर्ड है पायरोमैनिया. पायरोमैनिया का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फायर ऑब्सेशन. क्या मीनिंग होता है इसका, फायर ऑब्सेशन. दरअसल पायरोमैनिया का मतलब होता है कि उसको आग बहुत पसंद आता है, हमेशा आगों से खेलते रहना पसंद करता है, तो उसको क्या हो जाता है, पायरोमैनिया हो जाता है. और एक वर्ड है हमारे पास कौन सा, रैपेसियस. अब रैपेसियस कहने का मतलब क्या होता है, जरा ये ध्यान से समझिएगा. दरअसल अगर कोई भी ऐसा पर्सन हो जो बहुत ज्यादा लालची है, बहुत ज्यादा लालची है, ठीक है, ग्रीडी है, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, रैपेसियस बुलाते हैं. क्या बुलाते हैं हम लोग उसे, रैपेसियस, लालची कहीं का है ना. चलो इसके बाद आज का अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लिखा इसमें, कलम हुआ तो बदल लूं. देखिए लिखा, इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी द वाइज लीडर चोज टू रिट्रीट एंड सीक्स लॉ ऑफ बैलेंस. एंड लगाया, एंड के पहले इसने लिख दिया रिट्रीट और एंड के बाद इसने लिख दिया सीक्स. फोकस करिए, यहां रिट्रीट है जो मेन वर्ब का पहला फॉर्म है और सीक में एस लगाया तो यह मेन वर्ब का पांचवा फॉर्म हो गया. ऐसा कैसे होगा, यह तो हो नहीं सकता, क्योंकि एंड के दोनों तरफ के पार्ट्स ऑफ स्पीच हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए. एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है इस तरह का एरर है ना, तो हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए. अब या तो इसे MB5 बनाओ या तो इसे MB1 बना दो. अब देखना यह है कि यहां पे टू लगा हुआ है,
यही सारा खेल है। अब टू के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, टू के साथ लगाते हैं MB1। तो MB1 लगाते हैं तो ये तो पहले से है, इसको बनाना होगा यानी एस हटाना होगा, हटा दीजिए, पार्ट नंबर बी आंसर हो गया, खत्म। अब ये जो चार वर्ड आप देख रहे हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या लिखा, रिटेलिएट। रिटेलिएट करना मतलब किसी से बदला लेना, देना नहीं, बदला लेना, ठीक है। रिवेंज, टू टेक रिवेंज, इसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं कौन सा, रिटेलिएट। जो पलट के आप जो हमला करते हैं ना, इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, रिटेलिएट बोल देते हैं। रिटोरिक, कौन सा वर्ड है हमारे पास, रिटोरिक। अब रिटोरिक का मतलब क्या होता है आप समझिएगा, इसका मतलब होता है एक तरीके से देखे तो ऑरेटरी। क्या मीनिंग होता है इसका, ऑरेटरी, ठीक है। ऑरेटरी का मतलब क्या, कि आप कितने अच्छे से बोलते हैं, कितने प्रेम से बोलते हैं, कितना एकदम मिला मिला के बोलते हैं, जैसे बोलते हैं, बोलते हैं ना मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, भाइयों बहनों, है ना, तो भाइयों बहनों, तो एकदम सीधा दिल में उतरते हैं ना, मतलब एकदम उठा के ऑडियंस को क्या करते हैं, बांधते हैं। खैर अपनी अपनी क्वालिटी होती है लोगों की, इसी को हम लोग रेटोरिक बोलते हैं, उतार चढ़ाव को, जो आवाज में उतार चढ़ाव होता है। और एक होता है रिट्रीट। रिट्रीट करना मतलब जैसे मानते हैं कि अगर पाकिस्तान की आर्मी है वो पीछे हट गई, तो पीछे हटना इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, रिट्रीट बुलाते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग, इसके लिए वर्ड ले सकते हैं विड्रॉल, है ना, क्या वर्ड ले सकते हैं हम लोग, विड्रॉल, ठीक है। और एक वर्ड है सैंक्टिटी। सैंक्टिटी मेंटेन करना चाहिए कहीं भी, जैसे मंदिर में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, या मस्जिद में जाते हैं, कहीं भी कोई भी पवित्र स्थल पर जाते हैं, तो वहां पर आपको उसकी पवित्रता, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, पवित्रता मेंटेन करनी चाहिए, प्योरिटी मेंटेन करनी चाहिए, हॉलीनेस मेंटेन करना चाहिए, और इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, सैंक्टिटी बुलाते हैं। सैंक्टिटी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आपने देखा 40 क्रिटिकल वर्ड्स आपने देखा, और कुछ आपने ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स देखे, ठीक है, 10 ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स देखे, और 10 फंसे हुए तगड़े वाले कॉमन एरर के क्वेश्चन देखे। यही इस क्लास की खासियत है। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा, और आप जितना पॉसिबल हो सके आप इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच।